Hey guys, welcome to my YouTube channel and this side Vaibhav Sharma and अभी तक जितनी भी हमने इस YouTube चैनल पे वीडियोस बनाई है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स बनाए हैं जिसमें मैंने थोड़ी सी डांस की वीडियोस और पता नहीं किस किस चीज़ की लिपसिंग हो गई इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाई थी शॉर्ट्स। और वीडियोस की बात करूँ अगर मैं प्रॉपर तो वो मैंने बनाई थी सिर्फ व्लॉग्स के ऊपर और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले थैंक यू एंड वेलकम। और अगर आप ये चैनल पहले से जानते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आगे आपको अच्छी अच्छी बातें पता चलने वाली है। सो अब आते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बताता हूँ इस YouTube चैनल को बनाने का कारण। ये YouTube चैनल मैंने पहले बनाया था जस्ट बिकॉज ऑफ द एंटरटेनमेंट पर्पस, बट आई थिंक कि एंटरटेनमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हो। तो थोड़ी सी स्ट्रीम चेंज करी और 1000 सब्सक्राइबर के साथ हम अपनी दूसरी नीच पे आ रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। हालांकि स्टार्टिंग में इतनी मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होंगी, बट इट्स ओके। नई चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए। और चलो अब इस वीडियो पे आते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे आई विश समवन टोल्ड मी व्हेन आई वाज 16। मैं करूँगा कुछ ऐसी चीज़ों की बात जो आपको पता होनी चाहिए जब आप 16 साल के हो। और ये वीडियो अगर आप बड़े हो 18, 19, 20 साल के हो तो आपको ये सब चीज़ें अपने छोटे भाई बहनों को बतानी चाहिए। अगर आप एज ए पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो अपने बच्चों को शेयर करो। नॉट अबाउट द 16 ईयर ओल्ड, अगर आप 12 साल के हो, 13 साल के हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अपनी भी कुछ कमियाँ जो मुझे पता होनी चाहिए थी 16 साल में बट मुझे नहीं पता थी, जो मुझे बाद में पता चली हैं। एंड आई विश कि आपको ये सब चीज़ें पहले पता लग जाए टाइम के साथ, ताकि आप लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सको। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम हम आते हैं इस वीडियो पर। टिप नंबर 1, गुड मार्क्स मैटर। आज की डेट में ना पता नहीं ये कौन सा सा क्रेज बन गया है या कौन सी सी चीज़ बन गई है कि हर किसी को मार्क्स के ऊपर बड़ा वो होता है। यार ब्रो, पहले जैसे होता था कि हम ज़्यादा मार्क्स पे ही फोकस करते थे, शायद वो भी चीज़ गलत है, बट आज ऐसा हो चुका है कि हम मार्क्स को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस ही नहीं होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप 16-17 साल के हो ना, यानी कि अगर आप 10th, 11th या 12th में से किसी भी एज में हो या 9th या 8th में हो, गुड मार्क्स मैटर्स ब्रदर, गुड मार्क्स मैटर। अगर आपने स्कूल लाइफ में 90% या थोड़े अच्छे परसेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 90%, आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रोस्पेक्टिव, अगर आप 65% हो तो ट्राई टू गो योर टू 70%। इफ यू आर 70% स्टूडेंट, ट्राई टू गो इन एन 80%, क्योंकि गुड मार्क्स मैटर करते हैं। 12th के बाद आपको कौन सा अच्छा कॉलेज मिलेगा, दैट विल डिपेंड समटाइम्स इवन दैट कॉलेज एग्जाम, बट समटाइम्स इट्स इन योर बोर्ड शीट, इन योर रिजल्ट। तो अगर आपके रिजल्ट में 90% दिखता है, आपके रिजल्ट में 80% दिखता है, आपके रिजल्ट में 75% दिखता है, दैट विल शोज दैट यू हैव टू गेन समथिंग। और ठीक है, वो चीज़ भी सही है कि अगर आप YouTube पे जा रहे हो या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ता है मार्क्स से, हमें थोड़ी ना फ़र्क पड़ेगा, मार्क्स से फ़र्क पड़ता है दोस्त। इसलिए फोकस एंड ट्राई टू गेट गुड मार्क्स इन योर स्कूल लाइफ। टिप नंबर टू काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आजकल जितने भी जेंजीज हैं उन सबका, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबका ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और मैं बात कर रहा हूं, समझ ही गए होंगे, तो रिलेशनशिप। आज की डेट में आप देख रहे होंगे और इसके ऊपर काफी ज्यादा मीम भी बन चुके हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे की बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, गर्लफ्रेंड बन रहे हैं। तो मैं इस सब के ऊपर ये कहना चाहूंगा दैट रिलेशनशिप इज गुड, वेरी गुड, बट नॉट नाउ। इफ यू आर इन योर स्कूल 12th, ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, एंड दैट इज कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। इफ यू आर इन ए रिलेशनशिप, इफ यू आर इन ए गुड रिलेशनशिप, दैट विल योर, मैं किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, बट मेरा ये खुद से मानना रहा है कि 12th तक यू शुड फोकस ओनली ऑन स्टडीज। ओके, फ्रेंड्स बनाना ठीक है, बट नॉट गो इन ए रिलेशनशिप। क्या होता है, हमारे माइंड की इस तरीके की साइकोलॉजी है। आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट भी मैरिज के लिए एक पर्टिकुलर एज डिसाइड करती है, हालांकि पहले गर्ल्स के लिए 18 थी, बट उनकी भी अब बढ़ चुकी है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट है किसी एक काम को करने के लिए एट पर्टिकुलर एज। आप 15-16 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इवन दैट हस्बैंड वाइफ
क्या कह सकते हैं, अगर हम नॉर्मली बात करें तो आप एक रिलेशनशिप में जी रहे हो, एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही तो जी रहे हो ना, हालांकि बहुत सारी चीज़ें भी कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट, बट जी रहे हो। यू आर नॉट कैपेबल विद दैट वन। आप उससे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब करोगे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर इफ़ यू आर हैप्पी इन योर रिलेशनशिप, इफ़ यू आर स्टेबल इन योर रिलेशनशिप एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप रिलेशनशिप के साथ अपना कॉलेज या स्कूल लाइफ भी चला सकते हो, डैट वॉज ओके। बट इफ़ यू आर नॉट, इफ यू आर सिंगल, डोंट ट्राई टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग अनटिल अनलेस इन स्कूल लाइफ। टिप नंबर 3, स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स। दैट वॉज द होल प्रोस्पेक्टिव जो मैं आज भी बिलीव रखता हूँ और पहले इतना नहीं रखता था, बट अब मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको लाइफ में आगे जाना है, यू शुड टॉक विद योर पेरेंट्स। आज की डेट में इवन दैट बॉय इवन दैट गर्ल, हर कोई बस अपने उसमें चल रहा है, अरे यार इन्हें क्या पता, इन्हें थोड़ी ना पता है हमारे कल्चर के बारे में, यू नो हम एडवांस हो चुके हैं। भाई तुम एडवांस नहीं हुए हो, ऑनेस्टली उनसे एडवांस तुम कभी हो भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो ही हैं दोनों आपके मदर एंड फादर जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे, एंड दैट वॉज अ ट्रू थिंग। सो इफ यू आर इन 12 टू 14 और इवन दैट 16 ईयर्स ओल्ड, अगर आप 18, 20, 21, 25 साल के भी हो ना, ये तो सबके लिए लागू होता है कि यार ऑलवेज टॉक विद योर पेरेंट्स, इवन दैट इफ यू आर हैप्पी, इवन दैट इफ यू आर सैड, इवन दैट इफ यू आर कंफ्यूजिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनके साथ बात करो। आज की डेट में थोड़ा सा मुश्किल है बट नामुमकिन तो नहीं, जितना हो सके 5 मिनट बैठ सकते हो बैठो, बात करो उनसे, पूछो हालचाल, कैसे हो, क्या हुआ आज, वो भी तो हमसे पूछते हैं ना, एक बार हम भी पूछ लेते हैं कैसा लगेगा। ऑलवेज टॉक विद योर पेरेंट्स। टिप नंबर 4, इंग्लिश इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन। गाइस अगर आप 12 13 साल के हो, 14 15 साल के भी हो, 16 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, इंग्लिश इज मस्ट। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं एक इंग्लिश को डेमोक्रेटिक वे में लेके चल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं बोल रहा हूँ कि यार इंग्लिश ही ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं है, बट इंग्लिश ज़रूरी है कुछ कुछ चीज़ों में, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों में इंग्लिश ज़रूरी है। विदाउट इंग्लिश You have to suffer with lots of things. अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि भैया मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, अभी तो मैं 18 साल का हो चुका हूँ, स्कूल लाइफ में हूँ, ना मेरे स्कूल में वो चीज़ हो रही है। ट्राई करो, YouTube इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, अभी हाल ही में देख रहा था मैं तो एक, चलो नाम तो नहीं लेंगे ऐसे कोर्सेज का, बट बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, बहुत सारे YouTube पे ऐसी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर की, जो आपको बताते हैं डेट हाउ यू स्टार्ट योर डे विद योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, यू शुड फोकस ऑन। धीरे धीरे ट्राई करो, हो जाती हैं चीज़ें, ऐसा मुश्किल बात नहीं है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यू शुड पर्टिकुलरली कम्युनिकेट इन इंग्लिश इन द होल फ्रॉम मॉर्निंग टू द नाइट, नो, बट एटलीस्ट यू हैव टू से समथिंग इन इंग्लिश दैट इज़ वेरी गुड एंड दैट इज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन योर इन टू योर पर्सनैलिटी एंड ए काइंड ऑफ थिंग। टिप नंबर फाइव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टिप आपको अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी आप स्कूल में हो, आप घर पे जा रहे हो, मम्मी खाना बना के दे दे रही है, मम्मी कपड़े धो के दे दे रही है, मम्मी सब कुछ करके दे दे रही है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब स्कूल से बाहर दूसरे कॉलेजेस में जाओगे, हॉस्टल्स में रहोगे, बहुत मुश्किल आने वाली है अगर आप खाना बनाना नहीं जानते हो, बहुत मुश्किल आने वाली है अगर आप बर्तन धोना ये सारी चीज़ें नहीं जानते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग, और नॉलेज लो इसके ऊपर, चीज़ें सीखो, आदत अभी से डालोगे तो चीज़ें आगे अच्छी तरह हो जाएंगी। सो टिप नंबर 4, खाना बनाना सीखना पड़ेगा। टिप नंबर 6, क्रिएट कंटेंट। मेरे से एग्जांपल ले लो, मैंने जब अपना स्कूल लाइफ ख़त्म करी तो उससे पहले मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, बट जब मेरे पास आया तो मैंने वॉट एवर आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है, आप ये बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर से भी सुनते रहे होंगे, कुछ नहीं करना है, फ़ोन लो और जो आपने लाइफ में किया है, लाइफ में क्या छोड़ो, दिन में आपने जो जो चीज़ें करी है वो सारी की सारी बोलो, कॉन्फिडेंस आता है, और कंटेंट बनाओ, कुछ भी बनाओ, स्टार्ट तो करो। टिप नंबर 7, ऑलवेज बी अराउंड विद गुड पीपल्स दैट हैव सेम थिंकिंग लाइक यू। हमेशा उन लोगों के साथ रही है जो आपके जैसी सोच रखते हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं जो आपसे विपरीत सोच रहे हैं एक हद को, और ये ना हमारे स्कूल लाइफ में बहुत बार हुआ है, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है, अभी भी मैं देखता हूँ कॉलेज में ऐसा होता है ना
कि हम गलत चीज़ों से काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और मन में पहला ख्याल ये आता है कि अरे मैं कौन सा, मुझे कौन सा आदत लगने वाली है इन सब चीज़ों की। एक बारी तो मैं जा रहा हूँ दोस्त के साथ घूमने, एक ही बार तो कॉलेज से बंक मार रहे हैं, एक ही बार तो स्मोकिंग कर रहे हैं या एक ही बार तो अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा आप धीरे 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 करके कब उसको प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी लाइफ में अटैम्प्ट कर लेते हो। एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग, अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे अपने आप बनते चले जाओगे। सो दैट्स इज़ अ होल वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस, लाइफ चेंजिंग तो नहीं बोलेंगे बट मैं ऐसी चीज़ें आपको बताता रहूँगा दैट विल हेल्प यू टू टेक योर लाइफ इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ गुड मैनर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक, हाँ वन मोर थिंग, इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो लाइक मारो, कमेंट करो, वो तो सबके सब बोलते ही हैं। बट वन मोर थिंग कि अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर रिलेटेड टू योर हेल्थ, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर स्टडीज़, किसी के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि उसके ऊपर वीडियोज़ बनाएं। एंड थैंक यू सो मच।